भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर करारा हमला किया है उन्होंने सिद्धारमैया सरकार के दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन को नाटक बताया है तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पिछले 20 सालों में कर्नाटक सरकार को मिले फंड का 75 फीसद मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल से आया है उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा अनाप शनाप मुफ्त की रेवड़ियों की घोषणा की गई थी अब जब सिद्धारामैया की सरकार उसे पूरा करने में विफल हो रही है तो यह बस केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है मोदी गवर्नमेंट दिस इज द रियलिटी द कांग्रेस ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोमिस्ड माइंडलेसली फ्रीबीज बीस विच दे आर अनेबल टू फुलफिल टूडे एंड When they have realized that it is impossible for them to fulfill their promises, they have now taken the route of blaming the center and the Narendra Modi government for petty politics. This is nothing but a political gimmick.